हेलो जी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं पीस रही हूँ मूँग की दाल, जिसको मैंने पहले भिगो दिया था धोकर के अच्छी तरह से 7-8 घंटे के लिए। और अब मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है बारीक और थोड़ा सा दरदरा। इससे क्या हमारे दही बल्ले सॉफ्ट बनेंगे। तो इस दाल को ना मैं अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि हमारे जो दही बड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बने एकदम। तो इसे अच्छे से फेंटेंगे हम, या तो हाथ से फेंट लेंगे या फिर चम्मच से। वैसे हाथ से ज़्यादा इजी हो जाता है फेंटना, तो मैं हाथ से ही फेंट रही हूँ। और इसे तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर ना येलो से वाइट ना हो जाए। और फिर थोड़ा सा बैटर लेकर ना हम पानी में डालकर देखेंगे, अगर ये हल्का हो गया तो फिर इससे दही बड़े बनेंगे अच्छे फूले फूले। तो ये देखिए, दाल फेटते फेटते एकदम वाइट हो गई है मेरी, इसका कलर चेंज हो गया। तो अभी थोड़ा और फेटेंगे इसको। तो दाल फेट चुकी थी और तेल गर्म करने रख दिया था मैंने, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बड़े। देखिए, हल्के सुनहरी होने तक इनको हम तेल में फ्राई करेंगे अच्छे से। तो अब ये धीरे धीरे हल्के सुनहरी हो रहे हैं हमारे बड़े। और मैं ना, अब दही बड़े गर्मी हो रहे हैं तो रोटी खाने का मन नहीं करता, तो इकट्ठे ही मैं दही बड़े बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, और फिर जब मन करता है तब बना लेते हैं। वैसे भी इन दिनों तो मौसम इतना गर्म हो रहा है कि किसी का भी रोटी खाने का मन नहीं करता। तो ये मैंने ना इकट्ठे बना करके दही बड़े रख लिए थे, बड़े बना करके ऐसे ही सूखे। तो जब मन करता है दही बिलोई और चटनी बना के रख लिए, हरी और लाल वाली मीठी चटनी। तो पानी में भिगोए और बना कर रख लिए जब मन किया। ये पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और हल्का गुनगुना, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, और फिर डाल दिए बड़े। तो ये बड़े हमारे जब अच्छे से फूल जाएंगे, भीग जाएंगे, तो हम इसमें दही डालकर अच्छे से चटनी वगैरह डालकर इसकी प्लेट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारे बड़े फूल चुके हैं अच्छे से पानी में। तो अभी इनका ना निचोड़ करके पानी निकालेंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे बने, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो अभी इन सबका ना पानी निचोड़ करके हम निकाल लेंगे सारे बड़ों को। और दही जो हमने बिलो के रखा हुआ था वो डाल देंगे इन पे, अच्छा सा खूब सारा दही डालेंगे, जिससे अभी ये दही में ना अच्छे से डूब जाएं। और इस पर डालेंगे मसाला। तो इस मसाले में ना मैंने काला नमक, जीरा भुना, मिर्च, लाल मिर्च और बना के रखा हो थोड़ा सा, और ऊपर से लाल मिर्च और डाल दिए, जिससे हमारी दही बड़ों का कलर ना अच्छा लगे देखने में। और ये बना के रखी है पुदीने और धनिए और हरी मिर्च की चटनी, तो ये भी डाल दिए ऊपर से। और ये लाल चटनी इमली की बनाई है ये। तो ये लाल वाली चटनी तो बना कर ही रखते हैं हम, पराठों के साथ भी खा लेते हैं कभी बच्चे। गुड़ की और इमली की ये चटनी है। तो अभी सारे अच्छे से डाल देंगे। तो आजकल क्या है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और किचन में वीडियो शूट नहीं होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से शूट करते वक्त फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए मेरी वीडियो बहुत ही कम आ रही है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी प्लेट दही बड़े की। तो आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए दही बड़े। और इस पे ना और थोड़ी सी दही डाल देंगे हम।
तो ये मीठी वाली चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है इमली की, तो ये भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया इस पर। और ये हमारी एक फुल प्लेट दही बड़े की तैयार है। तो अभी सभी खा रहे हैं यहाँ पर दही बड़े, और सोनी जी भी खा रहे हैं, और आशु भी बैठी है। तो आज आशु की एनिवर्सरी भी है, तो अभी दिन में हमने बना लिए थे दही बड़े, और शाम को एनिवर्सरी है, तो ये एनिवर्सरी का केक आ चुका है आशु की। तो अभी बच्चे लेकर आए थे, तो वो डेकोरेशन कर रहे हैं अभी बच्चे। तो क्या है ना, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया एनिवर्सरी का, क्योंकि सोनी जी जो हैं थोड़ा परेशान से हो जाते हैं।